हेलो दोस्तों, जय कवित्र निजा में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिड़वे की नमकीन, जो घर में बहुत ही इजी तरीके से बनाई जाती है और खाने में बहुत ही यम्मी होती है। ये नमकीन हम बचपन से अपने घर में बनाते आए हैं और खाते आए हैं। बचपन में जब हम देखते थे कोई बाज़ार से नमकीन नहीं आती थी, तो यही नमकीन हम घर में बनाकर खाते थे और ये खाने में बहुत ही यम्मी होती है। आज मैं आपको इसकी बहुत क्विक रेसिपी बताऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब मैं बताती हूँ ये नमकीन कैसे बनती है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल चढ़ाया। उस जब वो तेल हल्का गर्म हो गया, तब मैंने उसमें 1/4 कप बादाम डाले हैं। गैस मैंने मीडियम उस पर रखी है। इनको मैं करारा होने तक तर लूँगी और इसको मैं इस तरह से छन्नी में निकाल ली, जिससे कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और इन सबको मैं तल तल के टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ। ये 3 कप मैंने चिड़वा लिया है, जिसका हम पोहा बनाते हैं, ये वो ही चिड़वा है। नॉर्मल, कोई मोटा नहीं है, कुछ नहीं है, जिसका हम पोहा बनाते हैं वही मैंने इस समय ये चिड़वा लिया है। और इस ये 3 कप चिड़वा मैं थोड़ा थोड़ा करके तल रही हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से तल रही हूँ। मैं बाद में से छन्नी में इस तरह से निकालती जा रही हूँ, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। और बाद में मैं इसको टिश्यू पेपर पे डालती जा रही हूँ। इसके बाद मैंने जो घर में आलू के चिप्स बनाए जाते हैं वो तल रही हूँ। आपके पास आलू के चिप्स नहीं है तो आलू के अगर लच्छे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने 1 कप कॉर्नफ्लेक्स लिया है, जो हमारा दूध वाला कॉर्नफ्लेक्स आता है, एक नमकीन वाला कॉर्नफ्लेक्स आता है, ये मैंने वो ही लिया है। इनको भी मैं तल के अलग कर रही हूँ। बस आप तलते वक्त ध्यान रखिए कि प्रॉपर तल जाए और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये 1 कप कॉर्नफ्लेक्स है, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके तल रही हूँ। बस तलते वक्त आप थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारी नमकीन बहुत अच्छी बनेगी। ये 1/4 कप मैंने काजू लिया है, ये मैंने टुकड़ा काजू लिया है। आप चाहो तो साबुत भी ले सकते हो, जो नमकीन में टूटा हुआ भी काजू बहुत अच्छा लगता है। मैं इस तरह से तल रही हूँ कि जिससे कि प्रॉपर पूरे तेल में डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब ऐसे ही मैं 1/4 कप मैंने किशमिश लिया है, उनको भी मैं इसी तरह से तल लेती हूँ कि बस थोड़ा सा गरम गरम मैं तेल डालूँगी तो उसमें किशमिश अपने आप ही तल जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी तलती हैं। अब इसके अंदर मैंने 1/2 कप पीनट्स डाले। बस पीनट पर जो हमारी ये पीनट्स यानी मूंगफली है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि मीडियम आंच पर ही हम करें और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ये अंदर से कच्ची रह गई तो ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। बस मूंगफली जब तल रहे हैं तो आप इसको प्रॉपर ध्यान देना, क्योंकि मूंगफली अच्छे से तली हुई होनी चाहिए, इस बात का आपको एक खास ध्यान देना है। और इसके बाद मैंने 1 कप मखाना लिया है। इसके बाद मैं आपको एक वो नमकीन भी बताऊंगी जिसमें मैं कुछ भी तल के नहीं डालती हूँ। वो नमकीन भी मैं आपके उसमें ज़रूर डालूंगी, इसमें यूट्यूब चैनल में। ये कड़ी पत्ता है, जिसको मैंने थोड़ा सा धो के इसको तोड़ के और इसको अच्छे से तल लिया है। मैंने 1/4 कप नारियल लिया है, सूखा वाला नारियल है। इसको छोटे छोटे चाकू से मैंने इसको पतला पतला काट लिया था और इसको हम मीडियम गैस पे इसको तल रहे हैं। बस इसको महीन काटना है, जितना ये पतला होगा उतना ही देखने में चिप्स जैसा लगेगा और खाने में बहुत टेस्टी होगा। और जो जैसे ही लाल होगा उसको हम निकाल लेंगे। अब ये सब चीज़ें मेरी तल चुकी हैं, टिश्यू पेपर से मैंने हटा लिया था। अब इसमें जो चिप्स हैं वो साबुत हैं, उनको मैं हाथ से तोड़ लूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ तो सब कटी हुई हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारे जो ये चिप्स हैं ये ही बड़े हैं। इनको हम हाथ से तोड़ के छोटा कर लेंगे कॉर्नफ्लेक्स के जितना। अगर आलू के लच्छे होते इस जगह तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती ये आलू के चिप्स, लेकिन आलू के चिप्स अगर आप डालेंगे तो टेस्ट नमकीन का बहुत ही अच्छा आएगा। और आप कुछ और भी डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं। इस समय हम वो चना जो होता है, चने की दाल आती है, उसको भी डाल सकते हैं। आप मेवा इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हो, और जो मेवा आप नहीं खाते हो आप इसे स्किप भी कर सकते हो।
अब आप ये देखिए, मैंने ये जो चिप्स है सब तोड़ दिए। अब मैं इसका मसाला बना रही हूँ। यहाँ मैंने आधा चम्मच काला नमक लिया है, और इसके बाद मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च ली है, और आधा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, और 1/4 चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया है। भुना जीरा ज़्यादा मत ले रहा है तो नमकीन का टेस्ट बदल जाएगा। और ये नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये 1/4 स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। अगर आपके यहाँ साबुत खाया जाता है नमकीन में तो साबुत डाल सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ नहीं खाया जाता, इसलिए मैं पिसा हुआ ही डाल रही हूँ। अब इस सब मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इनको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमें ये सब फिर नमकीन में डालने हैं। इसमें अगर अब किसी भी नमक में या अमचूर में अगर कोई गुठली भी है तो वो भी हमें तोड़ देनी है, जिससे कि नमकीन हमें ज़्यादा मिलानी ना पड़े, बस ऊपर से हम ये मसाला डाल दें। अब मैं इस जो नमकीन है इसमें येल्लो कलर कैसा आया मैं सब बताऊँगी आपको। ये 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, बस ऑयल बहुत थोड़ा सा ही लेना है। इसमें आधा चम्मच मैंने राई डाली है, थोड़ी सी हींग डाली है, और हरी मिर्च डाली है चटपटा के लिए, और इसमें मैं बहुत थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, 1/4 चम्मच। बहुत ज़्यादा मत डालना, नहीं तो बहुत पीला हो जाएगा। जब हल्दी हमारी भुन जाए तो उसके बाद हमारी जो ये नमकीन है वो हम डाल के धीरे धीरे हाथ से इसको हम मिक्स कर देंगे। अब हमने इसके अंदर जो वो मसाला था वो भी डाल दिया है, वो शायद दिखाते हुए मेरा रह गया है, लेकिन मैं उस सारा कटोरी का जो मेरा मिक्स मसाला था वो मैंने इसके अंदर सब डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसको बस थोड़ी देर से मिक्स करेंगे। इसे हमने गैस बंद कर रखी है, और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। आप देखिए कितना अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है। आप इसे बनाइए, चाहे दिवाली पे बनाइए, किसी भी त्यौहार पे बनाइए, ये बहुत अमेजिंग लगता है। इसे बना के आप एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए, ये महीने भर तक नहीं ख़राब होता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।